ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कोई भी काम हमारा नहीं बनता, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, रोजगार हो, या कोई प्लानिंग हमने की है जिस प्लानिंग के हो जाने की वजह से जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। मेहनत तो बहुत करते हैं हम, लेकिन फल फिर भी नहीं मिलता है। किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं और न कभी किसी का बुरा हमने किया है, उसके बाद भी चीज़ें हमारे साथ जीवन में बुरी और बुरी होती रहती है। हम हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी कोशिशें करते हैं, लोग हमें नहीं समझते हैं। कई बार बाहर वालों को समझाना, घर वालों को समझाना, बहुत सी उलझने हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना सा है कि अगर आप लाइफ में बहुत सारी उलझनों में उलझे हुए हैं, बहुत सी परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो मेरी कुछ बातें आप अपने जीवन में अपनाएं। आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी लगे, लेकिन इन बातों को आप जरूर सुन लें, कहीं ये आपके काम की बातें हों। क्योंकि इन बातों को जिन भी जातकों के साथ मैंने साझा किया है, उन्हें इससे बहुत फ़ायदा मिला है और उनके लाइफ में उन्होंने जो चीज़ें हो रही थी उस, क्योंकि चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब चीज़ें ऊपर जाती है, जब हमारे हालात ख़राब होते हैं, जब सब विपक्ष में खड़े होते हैं, सब हालात, चीज़ें, मेहनत भी बहुत करते हैं, तो बहुत सी परेशानियाँ मन में उठती है, परेशानियाँ, बेचैनियाँ होती है। तो जो ऐसी स्थितियाँ लाइफ में किसी भी साथ होती होगी व्यक्ति के साथ, तो वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तो इसलिए इन बातों को मैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये आपके लाइफ को बदलने वाली बातें भी हो सकती हैं, इसलिए इन्हें सुने, समझे और अपने जीवन में आप अपनाएं। बहुत से जातकों को लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ने से मतलब है कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें कब बाहर आती है एक व्यक्ति की? जब वो बोलता है, बात करता है, चित करता है, उसके व्यवहार से चीज़ें झलक जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अगर अच्छा आदमी है तो वाकई में अच्छा होगा, तो उसके व्यवहार से वो चीज़ें झलक जाएगी, उसकी बातों से वो बातें झलक जाएगी। हाँ, अब आप कहेंगे कि लोग तो झूठ मूठ भी कर सकते हैं। आप किसी भी बनावटी चीज़ को बहुत देर तक नहीं रख सकते। आप अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन कर लेना कि आप किसी बनावटी चीज़ को बहुत देर तक बनावटी नहीं रख सकते। एक्चुअली स्थिति में तो वो कभी ना कभी दिखाई देना तय है, चाहे आप बात को कितनी भी संभालें। तो इसलिए कभी भी अपने मन की जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो किसी के साथ अतिरिक्त तौर पर साझा ना करें। जितना बताना है उतना बताएं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं। अपने विचार, अपनी प्लानिंग, सब चीज़ें आप साझा कर देते हैं। उस साझा करने की वजह से परेशानी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि उस तरह का माइंडसेट लोग हमारे बारे में बना लेते हैं। और वो चीज़ें जब हम सफल नहीं हो पाते हैं या चीज़ों में मेहनत करते हैं, तो वो सब चीज़ें लौट कर हमें नेगेटिविटी क्रिएट करवा देती। हमने वो एक भाव के साथ बोल दिया, लेकिन वो हमारे ही शत्रु हो जाते हैं। मतलब खुद के खुद शत्रु जो हो जाते हैं, वो इसी बात से कहा जाता है कि हम बड़ी बड़ी बातें कह दें या हम कुछ चीज़ें कह दें। और बड़ी बड़ी बातें कहना मतलब वो हमारे मन के उद्गार हैं, हम मन में ये चीज़ सोचते हैं तो इसलिए बात कह दी। पर उसका जो इंटेंशन है, उसकी जो सामने वाला उस बात को एक अलग वे में लेकर, बाद में हमारे लिए दिक्कत होगी। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें जो अब से, क्योंकि अब तक जो भी कही है ठीक है, लेकिन अब से कहना बंद करें, खुद से भी, दूसरों से भी। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक सडन बदलाव आएगा। और ये जो बात जितनी सुनने में आपको आसान लग रही है, उससे ज़्यादा महंगी बात इसे आप करने के बाद लगेगी। मतलब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में जब आजमाएंगे, तो ये बात बहुत महंगी बात होगी, आप इसे समझ लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, हर एक व्यक्ति का माइंड सेट, हर एक व्यक्ति का कोई मनी माइंड होता है, कोई बहुत काइंड होता है, तो हर एक व्यक्ति का एक नेचर होता है। और ये नेचर जो शुरू होता है, ये उनके ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों साथ है, तो व्यक्ति के साथ संगति का बहुत असर पड़ता है। मतलब दोनों की युति होने से अगर उसके साथ अच्छे लोग हुए, तो वो बहुत बड़ा अच्छा इंसान बन जाएगा, और बुरा हुआ तो बहुत बड़ा बुरा इंसान बन जाएगा, बहुत बड़ा। अब इसमें ये नहीं कि ये तो हर एक व्यक्ति के साथ, आप ये बात यूं भी कह सकते हैं कि तो हर एक सामान्य व्यक्ति के साथ होगा, वो अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा होगा, ये उस कंडीशन में मैं बात कह ही नहीं रहा हूँ। ये सिर्फ उस कंडीशन में है कि अगर ये युति किसी के साथ होती है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनता है, जो करोड़ों में एक इंसान होता है। तो इसी तरह की चीज़ें हमारे ग्रहों की हर एक व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करती है। बहुत दयालु होता है, बहुत काइंड होता है, बहुत से लोग मतलब ही माइंड वो होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं। तो कुछ जो नेचुरली बात कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में आने के बाद, लोगों से ठोकर खाने के बाद,
व्यक्ति फिर वैसा व्यवहार करता है, लेकिन उसके बाद भी खुद को इंसान नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो चीज़ें जो आपके डीएनए में, वो कोई बदल नहीं सकता। आप अच्छे इंसान हैं तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे, चाहे आप दुनिया की कितनी भी चीज़ें सीख लो समझ लो, क्योंकि आप में दया है तो दया तो आपको आना तय है, और नई दया आएगी तो आप जी नहीं पाएंगे, आपको खुद को बदला हुआ समझेंगे, आप बहुत डिप्रेस फील करेंगे और बहुत सी चीज़ें एक व्यक्ति चलता है। तो जो नेचर हमारा प्राकृतिक व्यवहार है, कुल मिला के इस बात का जो पूरी में जितनी मैंने आपके साथ ये बात इस दूसरे पॉइंट की साझा की कि जो हमारा नेचर है, जो व्यवहार है, वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे। मतलब अगर उसमें कुछ चीज़ें खराब हो रही है तो उनको सही कर सकते हैं हम, लेकिन प्यार दया करुणा ये हमारे मानव के सामान्य से भाव होते हैं, उन भाव जो हर एक आपके साथ बहुत होते हैं, क्योंकि आपकी राशि के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें नेचुरली तौर पर जैसे हैं वैसे रहने दें, उनको कहीं भी हर्ट ना पहुँचने दें। हर्ट कब पहुँचता है, जब आप किसी की बात को दिल पर ले लेते हैं, जब कोई चीज़ें आपके माइंड पर बहुत हावी हो जाती, जब आप चीज़ों को कैसे सोचने लग जाते हैं कि आप बेसिक चीज़ों को भूलकर बहुत ही बड़े लेवल से सोचने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कि कोई भी चीज़ में सफलता नहीं हो पाए तो हम नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हमने कोशिश की, नहीं हो पाना होना कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे, तो ये एक बेसिक चीज़ है। लेकिन आप कहाँ रुके हुए हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो पाए, वो था वो हो गया, हम क्यों ना हो पाए, उसने ऐसा किया। तो जब हम तुलनात्मक रूप में खुद को देखेंगे तो हम कभी सफल भी नहीं हो पाएंगे, और आने वाले समय में भी हमारे साथ वो एक नेगेटिविटी, जिस नेगेटिविटी को हमने खुद जनरेट किया है पहले पॉइंट से फिर ये दूसरे पॉइंट से, ये दोनों हमें बहुत से परेशानियाँ खड़ी कर सकती है। थोड़ी सी बातें मेरी लंबी जरूर है, लेकिन ये जितनी सारी बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ये बहुत बड़ी और बहुत गंभीर बातें हैं, आप अपनी लाइफ में इन्हें जरूर इंक्लूड करें तो आपको शायद, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़ा बदलाव। और तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो शायद बहुत सारे जातक इस प्रयोग को करते भी हैं, मैं खुद निजी तौर पर बहुत इस प्रयोग को करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस प्रयोग को करने के बाद, आप भी अगर इस प्रयोग को करेंगे तो आपको भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अपने गुरु मंत्र का जप करना शुरू करें, मतलब कोशिश करें जितना भी आप वक्त दे पाएं अपने बिजी शेड्यूल से, आप थोड़ा वक्त दे पाएं उसका जप जरूर करें। अब इसमें कई सारे तार्किक चीज़ें चलती हैं कि जप करने से क्या होता है, बहुत से लोग कमेंट्स में ये बात भी कहते हैं क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। अब जब तक हम किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत के साथ नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में समझना है कोई व्यक्ति, मैं भी नहीं समझा सकता हूं। मैं ये बात आपको क्लियर कर रहा हूं कि जप करने से क्या होता है मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि मैं जप करता हूं जो मेरे वाइब्रेशन है, जो मेरे सकारात्मकता है, जो बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में है उनमें बहुत बड़ा बदलाव दिखा है मुझे बहुत सालों से। और ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में कि जिसके बारे में शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रयोग को किया जाता है, ऐसा किसी को समझाया नहीं जा सकता है। जो जप का पावर है आप उसे सिर्फ खुद करें, जब खुद करेंगे और पूरी ईमानदारी पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि, क्योंकि इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास के साथ में अपने इष्ट के प्रति पूरा डेडिकेट होकर हम उस मंत्र का जप करें भाव के साथ। भले आप 100 बार करें, 500 बार करें, 1000 बार पर डे करें, लेकिन उस मंत्र का जाप हमें नियमित करना ही है। जब आप करेंगे आप अपनी लाइफ में वो बदलाव देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये बात प्रैक्टिकल खुद अनुभव के बाद साझा कर रहा हूँ, बहुत से लोग आपको ये बातें कभी साझा नहीं करेंगे, पर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी कुंडली में कितनी भी चीज़ें खराब चल रही हो, कितनी भी चीज़ें आपका लाइफ जो बुरा चल रहा है, आप जब करें और जब में विश्वास श्रद्धा और सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव अपने एटीट्यूड करें, क्योंकि जब बुरा हालात होता है हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं होती तो हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। तो कोशिश करें अच्छा सोचने की, थोड़ा सा अपने इष्ट पर यकीन रखें, थोड़ा धैर्य रखें, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और जो पल खराब है उनसे जो लर्निंग आपने सीखी है वो लाइफ में दूसरे लोगों के लिए भी काम आएगी, और आप हमेशा खुश रहने के लिए वो जो पल हैं, जो नकारात्मक पल जो आपने बीते हैं, वो पल भी आपकी पावर बन जाएंगे। ये बातें थी, मुझे नहीं पता कि ये बातें आपको कैसे लगी। आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक आप सुनते अगर आए हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुनते आए हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, और स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें फिर बात करें। तो जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को सुनते हुए आए हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं फ्री में आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, फ्री में जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी चीज़ें होंगी मैं बताऊँगा। पर इसके लिए आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ये जरूर बताना कि पंडित जी हमने आपका ये वीडियो देखा है, ये वीडियो जो देखा है इसका स्क्रीनशॉट ले और मुझे व्हाट्सएप पर बताए कि हमने ये वीडियो देखा है आपका, और इस वीडियो को देखने के बाद हमने मैसेज किया, क्योंकि मेरा फीस है, फीस के बाद ही मैं बात करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को आपने यहाँ तक सुना है, समझा है,
तो उसके लिए मैं आपकी जो भी मुझसे मदद हो पाएगी मैं आपकी जरूर करूंगा। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, व्हाट्सएप पर स्क्रीन शॉट से छाजा करना। मैं आपकी कुंडली, जन्म तारीख, जन्म समय मुझे बताइएगा, जो भी आपके प्रश्न होंगे वो बताइएगा, मैं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आपसे बात कर लूंगा और मुझसे जो मदद होगी आपकी परेशानी से जुड़ी मैं जरूर करूंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को जिसने यहाँ तक पूरा देखा है, उसका स्क्रीन शॉट जिसने साझा किया है, उन्हीं के लिए है और ये कुछ वक्त के लिए रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। ये भी मैं आपको आखिरी में बात साझा कर देता हूँ कि हमेशा नहीं रहेगा, कुछ वक्त के लिए रहेगा, 8 दिन 10 दिन 15 दिन वीडियो के अपलोड होने के बाद तक, उसके बाद ये नहीं रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।